दोस्तों आलू हमारे भारतीय व्यंजनों की मुख्य सामग्री बन चुका है। दोस्तों के साथ चाय पर चर्चा हो तो आलू का समोसा उसका बड़ा मजा देता है। सुबह का नाश्ता हो या पूरी आलू की सब्जी या फिर माँ के हाथ के बने आलू के पराठे, इन सब व्यंजनों ने भारतीयों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत आज आलू के प्रोडक्शन में तीसरी रैंक पर आता है। हर साल भारत 26 मिलियन टन से ज्यादा आलू का प्रोडक्शन करता है। भारत के हर एक क्षेत्र की रसोई में आलू को अलग अलग व्यंजनों में अलग अलग तरीके से आलू का इस्तेमाल किया जाता है। पर दोस्तों भले ही हमारे लिए आलू प्यार मोहब्बत और नॉस्टैल्जिया जैसा हो, पर आपको बता दें सब्जी का जन्म इंडिया में नहीं हुआ था। चलिए इस वीडियो के जरिए आज जानते हैं कि कैसे आलू इंडिया आया और कैसे बन गया भारतीयों का सबसे चहेता खाना। आपको बता दें कई इतिहासकारों के मुताबिक पहली बार आलू को आज से 5000 साल पहले दक्षिणी पेरू और उत्तर पश्चिमी बोलीविया में पहली बार एक फसल के रूप में उगाया गया था। और कुछ पुरातत्वविदों का तो ये भी कहना है कि दक्षिण अमेरिका में 10000 साल पहले भी आलू की खेती के प्रमाण मिले हैं। पर खोजकर्ता सिर्फ 3000 ईसा पूर्व में सेंट्रल पेरू में मिलने वाले आलू को संरक्षित करने में कामयाब हो सके थे। फिर उसके बाद 2000 ईसा पूर्व के नमूने भी पेरू की काजमा घाटी और 800 ईसा पूर्व का नमूना पेरू की टिटिकाका झील के पास पाया गया था। और सिर्फ यही नहीं, दक्षिण अमेरिका में आलू ने उस समय अपनी जगह इस तरह बनाई थी कि नागरिकों के इस्तेमाल में होने वाले बर्तन में भी आलू की तस्वीरें होती थीं। आलू को समाज में तब एक विनम्रता का प्रतीक माना जाता था। पर दोस्तों साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा अगर किसी जाति पर आलू का प्रभाव पड़ा तो वो थे इंडियंस। आलू को मॉडर्न तरीकों से रसोई में पहली बार इन्होंने ही इस्तेमाल किया। तो कोश नाम का ड्रिंक उनके समाज में बड़ा फेमस था, जिसको आलू के किण्वन या फर्मेंटेशन से बनाया जाता था। चुनो नाम के फ्रीजिंग आलू को इंडियन समाज के लोग कैश क्रॉप की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर तकरीबन 1557 में ये आलू धीरे धीरे समुद्री यात्रियों द्वारा अन्य नई जगहों पर पहुंचने लगा, जिसके बाद बहुत से किसानों द्वारा इसको उगाने की कोशिश की जाने लगी थी। फिर उसी समय ये भी पाया गया कि पेटागोनिया के लोग भुट्टे की खेती छोड़कर आलू की खेती करने लगे, जो बाद में उनकी मुख्य फसल बन गया। दोस्तों यूरोप में मुख्य रूप से एंडीज से लौटने वाले नाविक ही आलू को लाए थे। फिर 1570 में इसी आलू के बचे हुए कंद से उनकी खेती चालू हुई। उधर दूसरी तरफ 1562 में दक्षिण अमेरिका के कैनरी द्वीप से लौटने वाला एक ब्रिटिश नाविक भी आलू को अपने साथ ले आया, जिसके बाद यूरोप में भी आलू की खेती शुरू हो गई। पर यूरोपीय लोगों ने आलू खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि ये नेटिव इंसानों का खाद्य था। धीरे धीरे स्पेन के बास्क मछुआरे के अंदर आलू बड़ा लोकप्रिय खाना बन गया, क्योंकि मछली पकड़ते वक्त इसे छोटे बर्तनों में बहुत दूर तक ले जाया जा सकता था। दोस्तों फिर कैरोलस क्लूसस नाम के वनस्पति शास्त्री ने पहली बार आलू के ऊपर रिसर्च करके पापस पेरुनोरम नाम के एक शोध पत्र में इसके पोषण मूल्य को सबके सामने रखा, जिसके बाद यूरोप के मजदूर वर्ग के साथ साथ हायर क्लास के फार्म हाउसेस के जानवरों को आलू खिलाया गया। फिर राजा फिलिप द सेकंड ने पहली बार पोप को आलू कंद के बारे में बताया, और रूडोल्फ जेकब कैमरारियम नाम के व्यक्ति ने 1588 में पूरे यूरोप में इसकी खेती शुरू की। फिर धीरे धीरे सैनिकों ने कम समय में उत्पादन और अच्छे पोषण मूल्य के लिए आलू को खाना शुरू कर दिया। सैनिकों के बीच ये डेविल्स एप्पल नाम से प्रसिद्ध हो गया, पर वो कहते हैं ना, जब तक मुश्किल वक्त ना आए तो चीजों की अहमियत समझ नहीं आती। इसी दरमियान 1770 में यूरोप में जलवायु परिवर्तन आया, जिसको लिटिल आइस एज के रूप में बताया जाता है। इसके बाद से ही आलू ने यूरोपियन जीवन शैली में अपनी जगह बनाई, शायद इसलिए क्योंकि उस मौसमी बदलाव और आबोहवा की स्थिति को झेलने वाला एकमात्र आलू ही था। दोस्तों भारत में आलू का आगमन पुर्तगाली और डच नाविकों और व्यापारियों के द्वारा हुआ, जो वे सफर में खाने के लिए अपने साथ लाए थे। उस समय कालीकट पोर्ट के आसपास के क्षेत्र में ये बड़ा लोकप्रिय हुआ और समाज के मजदूर वर्ग के लोग ही ये खा रहे थे। पर धीरे धीरे आलू अपना प्रभाव भारतीयों के बीच छोड़ने लगा, चाहे जिज्ञासा की आड़ में ही सही, लोगों ने ये नई सब्जी बहुत पसंद की। लेकिन दोस्तों आलू अगर हर एक भारतीय खाने का हिस्सा बना तो वो अंग्रेजों की वजह से। आपको बता दें आदतन अंग्रेजों ने हमेशा सिर्फ अपना लाभ सोचा। 1757 के बाद आलू की लोकप्रियता बढ़ने के बाद ब्रिटिश लोगों को लगा, अगर हम भारत में इसकी खेती शुरू कर पाए तो कम पैसे निवेश करके हम यहाँ से ज्यादा माल कम लागत में यूरोप के बाजारों तक पहुँचा सकते हैं, और तो और भविष्य में यहाँ बसने के बाद उनके खाने की भी समस्या खत्म हो जाएगी। योजना ये थी कि आलू धीरे धीरे चावल की जगह ले लेगा और अंग्रेजों को लाभ होगा, पर हुआ इसका उल्टा। भारतीयों ने भी अपने खाने में तब तक आलू को पूरी तरह से अपना लिया
ब्रिटिश के कलकत्ता में रहने के दौरान बंगाली डिशेज में धीरे धीरे आलू डालने लगे और इसे फाइनल टच दिया नवाब वाजिद अली शाह ने। जब नवाब लखनऊ छोड़कर कलकत्ता आए तो उनके खान सामा ने आलू को नवाबी खाने का हिस्सा बना लिया। आज भी कलकत्ता की बिरयानी से लेकर प्रायः हर बंगाली व्यंजन में आपको आलू जरूर मिलेंगे। अंग्रेजों के प्रभाव में खिचड़ी से लेकर पराठे तक भारत के अलग अलग रसोई घरों में आलू को एक विशेष स्थान मिल चुका है। और दोस्तों, आज हम आलू की भूमिका को इंडियन डिशेस से अलग रखकर सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, रेलवे और मॉडर्न स्कूल सिस्टम की तरह आलू भी एक ऐसी चीज है जो कि अंग्रेज अपने फायदे के लिए इंडिया लेकर आए, पर भारतीयों ने इसे भी अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। इसलिए हम बड़े गर्व से कहते हैं, हमारा भारत महान। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।